नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं दोस्तों पांच बड़ी खबरें। हमारी आज की पहली बड़ी खबर है दोस्तों, एचडी कुमार स्वामी ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है दोस्तों। हम आपको बताएंगे पूरी खबर। हम आपको बताएंगे दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने अपनी एकजुटता दिखाई है दोस्तों, और 11 दल हैं दोस्तों जो कल मौजूद रहे थे कर्नाटक के अंदर। हम आपको बताएंगे पूरी खबर दोस्तों। हमारी आज की अगली खबर है, केरल में निपाह वायरस फैल चुका है दोस्तों, और केरल के अंदर इस निपाह वायरस ने 10 लोगों की जान ले ली है। हम आपको बताएंगे दोस्तों, निपाह वायरस क्यों फैल रहा है केरल के अंदर, इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, और इसके लक्षण क्या है, आप इससे किस प्रकार बच सकते हो, हम आपको पूरी खबर बताएंगे। हमारी आज की अगली खबर है दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट के बारे में हम आपको बताएंगे। राजस्थान बोर्ड का 12वीं कक्षा का साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट कितना रहा है, हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराएंगे। हमारी आज की अगली खबर है दोस्तों, भारत में जिस प्रकार पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार एक बार जर्मनी के अंदर भी दोस्तों पेट्रोल के भाव बढ़े थे, लेकिन दोस्तों वहां की जनता ने सरकार को झुकाकर पेट्रोल के भाव कम करा लिए थे। हम आपको बताएंगे दोस्तों, किस प्रकार जर्मनी की जनता ने सरकार को झुकाकर पेट्रोल के भाव कम कराए, ये रहेगी दोस्तों हमारी खबर। दोस्तों हम आपको बताएंगे हमारी आज की अगली खबर है व्हाट्सएप के बारे में। हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया व्हाट्सएप के बारे में हम आपको नई अपडेट बताएंगे। हम आपको बताएंगे दोस्तों कि व्हाट्सएप ने कौन कौन से नए अपडेट जारी किए हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं। हमारी आज की पहली खबर दोस्तों, एचडी कुमार स्वामी ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, एचडी कुमार स्वामी को कल कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के जी परमेश्वर को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। हम आपको बताएं दोस्तों, कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो मोदी विरोधी ताकतें हैं दोस्तों वह दिखाई दी। हम आपको बताएं, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बसपा प्रमुख मायावती और दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर आए। हम आपको बताएं दोस्तों, इनके अलावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह और दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, एनसीपी प्रमुख शरद यादव भी मंच पर मौजूद थे। दोस्तों यह सब विपक्षी पार्टी हैं जो मोदी के विरुद्ध 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव के अंदर ये सब साथ रहेगी दोस्तों। हो सकता है कि इस बार जो ये विपक्षी पार्टियां एक साथ होकर मोदी को 2019 के अंदर टक्कर दे पाए। दोस्तों देखना है कि जो सारी विपक्षी पार्टियां कल कर्नाटक के जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें एकजुटता दिखाई थी, क्या वह 2019 तक मतलब लोकसभा के चुनाव तक एकजुट रहेगी। दोस्तों हम आपको बताएं, इन सब दलों के अंदर दोस्तों कई सारे मतभेद है, और दोस्तों किसी भी दिन कोई भी मतभेद उभर कर सामने आ गया, उसी दिन दोस्तों यह पार्टियां अलग हो जाएगी। हमको ये बात देखनी है दोस्तों, क्या मोदी सरकार को ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वो टक्कर दे पाएगी। हो सकता है दोस्तों मोदी सरकार को सहानुभूति भी मिल जाए, क्योंकि इतनी सारी पार्टियां मोदी को हराने के लिए लग रही है दोस्तों। हो सकता है दोस्तों जनता के मन में मोदी के प्रति सहानुभूति जग जाए, और दोस्तों मोदी को 2019 के अंदर वापस से प्रधानमंत्री बनाकर जनता लोकसभा के अंदर भेज दे। दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम आपको पूरी खबर से अपडेट कराते रहेंगे। हमारी आज की अगली खबर है दोस्तों, केरल में निपाह वायरस तेजी से फैल रहा है दोस्तों, और इस वायरस की वजह से एक सप्ताह के अंदर 10 लोगों की मौत हो गई है, और दोस्तों 20 लोग गंभीर रूप से संक्रमित हो गए हैं। हम आपको बताएं दोस्तों, यह वायरस केरल में क्यों फैल रहा है, क्योंकि दोस्तों केरल के अंदर चमगादड़ों की बहुतायत है। हाँ दोस्तों, बहुत सारे चमगादड़ पाए जाते हैं केरल के अंदर, इस कारण यह केरल में फैल रहा है। हम आपको बताएं दोस्तों, जो ये निपाह वायरस है इसके वाहक है दोस्तों चमगादड़। हम आपको बताएं, यह वायरस कुएं के पानी, चमगादड़ के खाए हुए फल और दोस्तों ताड़ी पीने से फैलता है। हम आपको बताएं, केरल के अंदर ताड़ी के काफ़ी वृक्ष दोस्तों
इस कारण यह जो वायरस है दोस्तों निपाह है वह केरल के अंदर तेजी से फैल रहा है। हम आपको यह बात बताएं दोस्तों, एक चमगादड़ होता है जिसका नाम होता है फल भक्षी चमगादड़। दोस्तों यह चमगादड़ फल खाता है दोस्तों, इस चमगादड़ की वजह से यह वायरस फैल रहा है। हम आपको बताएं दोस्तों, एक सवाल हमारे मन में उठता है कि यह वायरस चमगादड़ को क्यों नहीं मारता। हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि चमगादड़ ही वाहक है इस वायरस का, लेकिन दोस्तों जो निपाह वायरस है वह चमगादड़ को नहीं मारता है। क्यों, हम आपको इसका आंसर देने जा रहे हैं दोस्तों। हम आपको बताएं, चमगादड़ के शरीर के अंदर दोस्तों एंटीबॉडीज पाई जाती है दोस्तों, इसके कारण यह वायरस चमगादड़ के शरीर के अंदर दोस्तों सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है दोस्तों, जिसे शेडिंग कहते हैं दोस्तों। हम आपको बताएं, जब चमगादड़ फल खाता है या ताड़ी जैसा कोई पेय पदार्थ पीता है दोस्तों, तो यह वायरस चमगादड़ से उन चीज़ों में प्रसारित हो जाता है दोस्तों, और यह वायरस चमगादड़ के मलमूत्र द्वारा भी दूसरे जीवों में, खास तौर से दोस्तों स्तनधारियों में यह वायरस तेजी से फैल जाता है। हम आपको बताएं दोस्तों, जब यह वायरस किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है दोस्तों, तो उसको एक अजीब तरह का बुखार आता है दोस्तों, और यदि दोस्तों सही टाइम पर इस बुखार का इलाज नहीं किया जाए तो दोस्तों गंभीर अवस्था में बुखार आ जाता है, और हम आपको बताएं इस बुखार के कारण दोस्तों जो मरीज है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हम आपको अब ये बता रहे हैं दोस्तों, इस वायरस की वैक्सीन अब तक क्यों नहीं तैयार की गई। हम आपको बताएं दोस्तों, निपाह वायरस भारत से पहले भी बांग्लादेश के अंदर, मलेशिया के अंदर अपना कहर बरपा चुका है। हम आपको बताएं दोस्तों, इस वायरस की अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है। क्यों नहीं बनाई गई हम आपको बताएं, हम आपको बताएं दोस्तों कि आज तक वैक्सीन बनाने के लिए इतना बजट ही नहीं दिया सरकार ने कि कोई भी जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वो वैक्सीन बना सके दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों यह जो वायरस फैला था ये सिर्फ भारत, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में फैला था। जब ये वायरस दोस्तों पूरे विश्व में फैल चुका होगा, जब पूरे विश्व की जो सरकार है वह जागेगी और दोस्तों जब वैक्सीन बनाएगी, हाँ दोस्तों ऐसा ही होता है, जब भी कोई बीमारी छोटी होती है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन दोस्तों जब यह बीमारी विकराल रूप धारण कर लेती है, जब दोस्तों उस बीमारी के बारे में सोचा जाता है और दोस्तों उस बीमारी के रोकथाम के लिए दवाइयां बनाई जाती है दोस्तों, निपाह वायरस के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि यह वायरस अभी खाली भारत, मलेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों में फैला है, तो दोस्तों अभी कोई भी सरकार इसके बारे में ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन दोस्तों सरकारों को ध्यान देना चाहिए और निपाह वायरस का जो वैक्सीन है उसको तैयार करना चाहिए। हम आपको अब ये बताएं दोस्तों, निपाह सबसे ज़्यादा दिसंबर और मई माह में क्यों फैलता है। क्योंकि दोस्तों इसका एक प्रमुख कारण है ताड़ी। हाँ दोस्तों, यह वायरस इन महीनों में इसलिए सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है दोस्तों, इस मौसम में ताड़ी बहुतायत मिलती है। हाँ दोस्तों, और दोस्तों गर्मी और नमी के मौसम में चमगादड़ ताड़ी की गंध से आकर्षित होते हैं और इसे पीते हैं, और जब ये झूठी ताड़ी इंसान पीते हैं दोस्तों तो वह इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। तो दोस्तों इस कारण से यह वायरस मई और दिसंबर माह में ही फैलता है दोस्तों। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि इस वायरस के लक्षण क्या है। हम आपको बताएं दोस्तों, यदि किसी इंसान को यह वायरस हो जाता है तो दोस्तों उसको वायरल फीवर होने के साथ सिर दर्द, मिचली आना, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। हम आपको अब ये बता रहे हैं दोस्तों, आप निपाह वायरस से किस प्रकार बच सकते हो, आपको किस प्रकार की सावधानियां रखनी है। हम आपको बताएं दोस्तों, आपको संक्रमित क्षेत्रों में सुअर, घोड़े और चमगादड़ जैसे जानवरों से दूर रहना है दोस्तों, और दूसरा उपाय आपको ये करना है दोस्तों कि अपने हाथ आप हमेशा साबुन से धोए, और तीसरा उपाय आपको ये करना है दोस्तों, पेड़ से टूटकर जो भी फल गिर जाता है दोस्तों या जो खुरचा हुआ फल होता है दोस्तों वह आपको नहीं खाना है। हम आपको बताएं दोस्तों, बुखार या किसी भी प्रकार के वायरल संक्रमण के लक्षण दिखने पर आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों हमने आपको बताया लक्षण और उपाय। हमारी आज की अगली खबर है दोस्तों, राजस्थान बोर्ड के 12वीं के साइंस और कॉमर्स के रिजल्ट घोषित कर दिए गए। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इस बार साइंस और कॉमर्स का जो परीक्षा परिणाम है दोस्तों वह कितने परसेंट रहा। हम आपको बताएं दोस्तों, इस बार राजस्थान के 12वीं बोर्ड में परीक्षा दी थी दोस्तों 826,278 विद्यार्थियों ने, और दोस्तों इसमें से 42,665 छात्र कॉमर्स के हैं और दोस्तों 2,50,000 छात्र साइंस के हैं। हम आपको बताएं, बोर्ड ने राज्य के कुल 5,507 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की थी। हम आपको बताएं दोस्तों, इस बार राजस्थान बोर्ड के साइंस स्ट्रीम में
90.33% छात्र पास हुए हैं। दोस्तों वहीं पर कॉमर्स स्ट्रीम में 87.78% छात्र पास हुए हैं। दोस्तों यह हमने आपको बताया राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट के बारे में खबर। हम आपको अब बता रहे हैं दोस्तों भारत हम आपको अब बता रहे हैं दोस्तों हमारी आज की अगली खबर। और दोस्तों हमारी आज की अगली खबर है पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार हमारे भारत देश के अंदर बढ़ रहे हैं। दोस्तों जनता लगातार विरोध कर रही है, लेकिन दोस्तों सरकार यही बात कह रही है कि कुछ फार्मूला हम तैयार कर रहे हैं, आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हम आपको एक बात बताते हैं जर्मनी के अंदर की। हाँ दोस्तों जर्मनी के अंदर भी इस प्रकार ही 2000 के अंदर पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे, लेकिन दोस्तों जनता ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों तो जर्मनी की जनता ने आखिरकार ऐसा क्या किया कि रातों रात पेट्रोल के भाव कम हो गए। हाँ दोस्तों हम आपको पूरी खबर से अपडेट करा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों उन्होंने एक ऐसा तरीका क्या निकाला है, उन्होंने एक ऐसा तरीका यह निकाला दोस्तों, उन्होंने इसका विरोध नारे लगाकर नहीं किया, उन्होंने इसका विरोध किया दोस्तों गाड़ियों को छोड़कर। हाँ दोस्तों उन्होंने शहरों में अपनी गाड़ियां छोड़ दी और गाड़ियां छोड़ने के बाद दोस्तों वह ऑफिस चले गए। हम आपको बताएं दोस्तों इसके अंदर उनका साथ किसने दिया, हम आपको बताएं इसके अंदर उनका साथ दिया गांव के लोगों ने। हाँ दोस्तों गांव के लोगों ने भी शहरों में आकर गाड़ियां छोड़ दी। दोस्तों 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, दोस्तों सरकार को काफ़ी परेशानियां होने लगी। तो दोस्तों सरकार ने रातों रात पेट्रोल के भाव कम कर दिए। तो दोस्तों हमको भी कुछ इसी प्रकार का विरोध करना पड़ेगा हमारे भारत देश के अंदर। हो सकता है कि हमारी सरकार भी हमारी सुन ले और दोस्तों पेट्रोल और डीजल के भाव कम कर दे। हमारी आज की अगली खबर है दोस्तों व्हाट्सएप के बारे में। हाँ दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के बारे में, व्हाट्सएप के कुछ अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों व्हाट्सएप ने कुछ अपडेट जारी किए हैं, आपको इन अपडेट्स के बारे में जानना जरूरी है। हम आपको बताएं दोस्तों पहला अपडेट व्हाट्सएप ने जारी किया है ग्रुप वीडियो कॉलिंग का। हाँ दोस्तों हम आपको बताएं अब आप व्हाट्सएप के द्वारा ग्रुप कॉलिंग कर सकते हो। हम आपको बताएं iOS बिल्ड 2.18.52 और एंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.18.145 प्लस पर व्हाट्सएप ग्रुप कॉल फीचर यूजर्स को मिलना शुरू हो गया। दोस्तों हम आपको बताएं अभी यह लिमिटेड यूजर के बीच में ही है दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद यह जो ग्रुप कॉलिंग का फीचर है ये सभी यूजर्स के बीच लागू हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा फीचर है। दूसरा अपडेट है दोस्तों व्हाट्सएप का फेसबुक पोस्ट व्हाट्सएप के ऊपर अब आप शेयर कर पाओगे। हाँ दोस्तों फेसबुक एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है दोस्तों, और आप इस फीचर के द्वारा जो आपकी फेसबुक की पोस्ट है दोस्तों उसको व्हाट्सएप के ऊपर डायरेक्ट ही आप शेयर कर पाओगे। किस प्रकार शेयर करोगे हम आपको बताते हैं दोस्तों। जब भी आप फेसबुक के शेयर बटन पर क्लिक करते हो दोस्तों तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, वह ऑप्शन आएंगे दोस्तों पहला ऑप्शन आएगा शेयर नाउ, दूसरा ऑप्शन आएगा दोस्तों राइट पोस्ट, और दोस्तों तीसरा ऑप्शन आएगा सेंड इन व्हाट्सएप। दोस्तों जो ये तीसरा ऑप्शन है सेंड इन व्हाट्सएप आपको इसके ऊपर टैप करना है, और दोस्तों टैप करने के साथ ही आप जो फेसबुक की पोस्ट है उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर पाओगे। अगला अपडेट आया है दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से, वह आया है दोस्तों रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो का। हाँ दोस्तों हम आपको बताएं आईफोन और एंड्रॉयड बीटा यूजर्स के लिए रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो फीचर आया है। इस फीचर के तहत दोस्तों तस्वीरें प्रोफाइल फ़ोटो और ग्रुप के नाम जैसी जानकारियाँ आप व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हो। अगला अपडेट है दोस्तों ग्रुप डिस्क्रिप्शन और एडमिन कंट्रोल का। हाँ दोस्तों हम आपको बताएं इस नए फीचर को iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए रोल आउट किया गया है। तो दोस्तों आपको उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का क्या मकसद है, इसके क्या नियम है वह आप लिख सकते हो। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों अगले अपडेट के बारे में। हम आपको बताएं अगला अपडेट व्हाट्सएप ने जारी किया दोस्तों चैट फिल्टर का। हाँ दोस्तों जब भी आप चैट करते हो दोस्तों तो अब आप उस चैट का जो पूरा विवरण दोस्तों उसको फिल्टर कर पाओगे, आपको कौन सा मैसेज देखना है वह आप फिल्टर करके देख पाओगे। दोस्तों यह अपडेट जारी की है व्हाट्सएप ने। हमने आपको बताई आज की हमारी तमाम खबरें। आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।